हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि आपके एग्जाम में, मैं मोस्टली सीएमए फाइनल के लिए बात कर रहा हूँ, कि आपके एग्जाम के अंदर एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बच्चों, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि काफी टाइम से मैंने ये देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि सर, हमें आंसर तो आता है, थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर आंसर तो हमें आता है, पर सर उसे लिखने का तरीका नहीं आता और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम वही चीज सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप जब एग्जाम दें तो कम से कम आपको ये पता रहे कि हम आंसर को कैसे ज्यादा इफेक्टिवली लिख सकते हैं, हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हम मोहित बंसल क्लासेस, अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें लॉ सब्जेक्ट का हर वीक फ्राइडे को टेस्ट होता है ना? मैंने बताया हुआ है, एक चैप्टर के हम तीन टेस्ट लेते हैं। एक होता है एमसीक्यू बेस्ड, एक होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग। तो अभी लास्ट फ्राइडे को हमने ये टेस्ट लिया था, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट लिया गया था बच्चों का। जो क्लासेस पर, जिन्होंने क्लासेस परचेज किए, वो इसमें अपियर होते हैं। तो उस टेस्ट के अंदर जो हमने क्वेश्चंस दिए थे बच्चे, आज उन क्वेश्चंस के आंसर की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे। मेंशन दी कंप्लीट प्रोसेस विद ऑल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय रेक्टिफिकेशन। अब आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है बच्चे, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस कंपनी का जो नाम है वो ऑलरेडी बनी हुई कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, है ना? रिजेम्बलिंग, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, फिर उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई कंपनी ओपन हो चुकी है और फिर बाद में पता लगता है कि कंपनी का नाम ऑलरेडी कोई कंपनी ओपन थी उससे मिलता जुलता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कंपनी को कि आप अपना नाम चेंज कीजिए, चाहे से आप इनकॉर्पोरेट हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे एयरटेल कंपनी पहले से बनी हुई है, एयरसेल कंपनी आज बनी है, एयरसेल कंपनी बच्चे आज बनी है मान लीजिए। तो अब बन तो गई, लेकिन फिर पता लगा कि यार इसका नाम तो एयरटेल से मिलता जुलता है, तो इसको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपना नाम चेंज कर लें। उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ नेम बाय रेक्टिफिकेशन। अब ये दो तरह से होता है, एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को पता लग जाए, तो जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 12 महीने के अंदर वो नोटिस दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 3 महीने में कंपनी को नाम चेंज करना है। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल में पढ़ाया था। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को पता नहीं लग रहा, बल्कि एप्लीकेशन लगाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 3 साल के अंदर। तो यहां पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देगा तो टाइम जो मिलेगा कंपनी को नाम चेंज करने का वो 6 मंथ्स होंगे। अब होता क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है वो ये चारों पॉइंट है, पर ज्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को लिखकर आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और ये वाला पॉइंट नहीं लिखकर आते, जबकि ये भी इसी टॉपिक में कवर होगा, चेंज ऑफ नेम बाय रेक्टिफिकेशन, और इसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने, हालांकि इसने तो बहुत ही कम लिखा, बहुत ही शॉर्ट में लिखा, बट इसने भी सिर्फ 3 पॉइंट लिखे। वो जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को पता लग रहा है
और कंपनी को नोटिस दे रही है और कंपनी को 3 महीने का टाइम मिल रहा है नाम चेंज करने का, वो पॉइंट यहाँ पे नहीं आना जो आया, जो कि आना चाहिए था बच्चे। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि एग्जाम के अंदर आपको पूरा आंसर लिखकर आना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चे, इस वीडियो के अंदर जो इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का, मेरा वो इंटेंशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं है, क्योंकि वो तो मैं चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको। इस वीडियो के अंदर बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप कैसे अपने आंसर्स को थ्योरी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट में, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं, इफेक्टिवली लिख सकते हैं, ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चे कि रिलायंस लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी है, और वो कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अब चेंज कर रही है, और कुछ इस तरह से चेंज कर रही है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो अभी तक इस कंपनी के एओए में नहीं आती थी, लेकिन अब कंपनी एओए को चेंज करके उनको इंसर्ट कर देगी रेस्ट्रिक्शंस को, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। हमें समझ में आ रहा है बच्चे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी का है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि रिलायंस अभी प्रेजेंट में पब्लिक कंपनी है, इसलिए उसके एओए में प्राइवेट कंपनी वाले रेस्ट्रिक्शंस नहीं आते, लेकिन अब रिलायंस कंपनी अपने एओए में उनको ऐड कर रही है, मतलब वो पब्लिक से प्राइवेट बन रही है, कंपनी का पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्जन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को लिखो आंसर में कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अगर रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब है पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन रही है, और उसके फिर इफेक्ट मैंने आपको समझाए थे बच्चे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, मेंबर्स की लिमिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्टर्स की डिक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 200 के अंदर आ जाएंगे, ये सब बातें, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है ना वो डायरेक्टली बस पॉइंट्स लिखने लग जाता है इफेक्ट्स वाले, बल्कि वो ये चीज समझा ही नहीं रहा है कि सर अगर एओए के अंदर रेस्ट्रिक्शंस ऐड करी जा रही हैं तो उसका पहला इफेक्ट ये है कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है, ये भी तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप पॉइंट्स लिखना, प्रोविजंस लिखना स्टार्ट करो। ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक से प्राइवेट बन रही है कंपनी, बाकी फिर पॉइंट्स तो आप लिख ही ले हुए वो समझाए हुए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, और इसीलिए आप लोगों के रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाता है हमारा इंस्टीट्यूट मोहित बंसल क्लासेस, जिससे बच्चे आपको ये एग्जाम तक प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आप सोचिए, आप इस वक्त जुलाई है, ऑलमोस्ट एंड होने पर आ गया, मान लो अगस्त स्टार्ट हो गया, अगस्त से और आप दिसंबर तक रेगुलर हर फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, हर फ्राइडे, तो बच्चे आपको कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आंसर लिखने की, तो आप एग्जाम के अंदर सही आंसर लिखकर आओगे, आपसे गलती होगी ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस बता दो। अब स्टूडेंट्स, जब आपको पढ़ाया गया था तो मैंने 3 एक्सेप्शन आपको समझाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, लेकिन आप एक बात मुझे सोचिएगा, एक बार ये सोचिए कि अगर मैं आंसर 3 यहां से स्टार्ट करके इतने में लिख दूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। चलिए एक्सेप्शंस तो आप लिख दोगे, वो आपको पढ़ाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, आपके पास बुक्स में दिए हुए हैं, पर आपको नहीं लगता सिर्फ इतना सा लिखकर आ रहे हो, और वो भी आप सोचिए कि आपके 5 मार्क्स का बच्चे ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए ये आंसर, इतना सा आंसर थोड़ा छोटा होगा। तो इसीलिए बच्चों, जब आपको लगे ना कि यार क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्क्स का दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास में जो आंसर है और जो एग्जैक्ट आंसर है, एक्चुअल आंसर है, वो थोड़ा छोटा है, तो क्यों ना मैं ऐसा कोशिश करूं कि ये थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाए, जिससे चेक करने वाला इजिली मुझे अच्छे से मार्क्स दे पाए। तो 2 लाइनों में, 2 पॉइंटों में बस ये समझा दो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर उसके एक्सेप्शंस लिख दो जो कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उससे हुआ क्या, आपका टाइम भी खराब नहीं हुआ, आपने बहुत ज्यादा आंसर भी नहीं लिखा, सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे आपने, लेकिन आपका आंसर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्वांटिफिएबल बन गया। आ रही बात समझ में।
अब आ जाते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। मैंने पढ़ाया हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा इसके अंदर, तो इसमें ये पूरा लिख कर आना है आपको। एग्जैक्टली सब चीजें मैंने अपनी बुक्स में दी हुई हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, ये सब कुछ लिख के तो आता है, लेकिन जहां जहां पर ये इंपॉर्टेंट ई फॉर्म्स लिखने होते हैं ना, उनको छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है बच्चे, ई फॉर्म्स आपको लिखने हैं, वो अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं आप। अगर आप सेक्शन लिख पा रहे हो अच्छी बात है, सेक्शन नहीं लिख पा रहे हो भूल गए हो, कम से कम ई फॉर्म्स तो लिखो, वो तो बहुत ही कंपलसरी। तो मैं फिर बोल रहा हूं बच्चे, आप लोग ना इन बातों को नोट कर लो कि जब भी आंसर लिखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन पॉइंट्स में हो। ये मैंने आपको जब लास्ट वीडियो, लास्ट हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी तब भी समझाया था। फिर उसके बाद में बच्चे कोशिश करो कि क्वांटिफिएबल आंसर लिख पाओ, मतलब लेंथ आपके आंसर की सही हो। और उसके अलावा कोशिश करो बच्चे कि, और सबसे बड़ी बात, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। ऐसा नहीं है आपको कि बुकिश लैंग्वेज यूज करनी है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या हमें बुक की लैंग्वेज लिखनी है? अरे भाई, बुक की लैंग्वेज कोई नहीं लिख सकता। आज अगर मैं अपनी एक बुक पब्लिश करूं ना बच्चे, तो मैं भी बुक की लैंग्वेज नहीं लिख पाऊंगा। मैं कंटेंट भले ही से सीएमए का उठा लूंगा, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा ना, सिंपल लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स के पास पहले ही अवेलेबल है, आप लिख नहीं पाओगे। रटो मत, समझो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो बच्चे, ठीक है? तो पॉइंट्स में लिखो, लेंथ थोड़ी सी सही रखो, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है। और जहां पर आप सेक्शंस लिख सकते हो याद है तो सेक्शंस लिखकर आओ। अगर आपको ई फॉर्म्स याद है तो जरूर से लिखकर आओ बच्चे, जरूर से लिखकर आओ। इन पॉइंट्स, इन बातों का आपको याद रखना है, आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी अब नेक्स्ट क्लास में।